रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं जहाँ परवास साल के इब्तदाई छः माह में जिला रावलपिंडी में तलाक और खला के केसेस में गैर गैरमूली इजाफा देखने में आया है जनवरी से जुलाई 2022 के दौरान जिला की फैमिली कोर्ट्स में तलाक खला जहेज बच्चों की हवालगी और बच्चों के अखराजा वगैरह के पाँच हजार दो सौ सोलह केसेज दाखिल कराए गए इस दौरान चार सौ सतावन मर्दों की तरफ से अपनी बीवियों के साथ सुलह के लिए भी अदालत से रजू किया गया रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे में जिला रावलपिंडी की फैमिली कोर्ट्स ने तलाक और खिला की दो हजार एक सौ चौदह डिग्रिया जारी की जबकि दो हजार आठ सौ इक्यानवे में मर्दों को बच्चों के महाना अखराज अपनी नाराज बीवियों को अदा करने का हुक्म दिया गया अदालतों की तरफ से इक्यान नाराज बीवियों को अपने ससुराल वापस जाने का हुक्म भी दिया गया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जिला रावल पिंडी की फैमिली अदालतों में नौ हजार छह सौ दो केसेज जेर अल्तवा है रवा साल गुजर खान मरी और टेक्सला तहसील कोर्ट्स में फैमिली मुकदमा की शराह में बहुत इजाफा हुआ है वकला की अक्सरियत का कहना है कि सोशल मीडिया ने मुशरे के इकदार को तबाह करके रख दिया और लोगों की जिंदगी अबतर होकर रह गई है फैमिली केसेस की शराह में इजाफे की सबसे बड़ी वजह यही सोशल मीडिया है जिस पर बनने वाले ताल्लुक शादी शुदा लोगों के घर टूटने और लड़कियों के घरों से भाग कर शादियाँ करने के वाक़ में इजाफे का सबब बन रहे हैं